वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल एंड परफेक्ट लाइफ। आपने कई बार अपनी फ्रेंड्स को ये कहते जरूर सुना होगा कि स्टिचिंग तो अपनी कुर्ती कर लेती हूँ, लेकिन कटिंग करने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि वह कटिंग करते समय कुछ गलत ना उस पर कट जाए। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी भी कटिंग हमारी कुर्ती गलत हो जाती है तो पूरी कुर्ती ही हमारी ख़राब हो जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी साइज़ की कुर्ती की आप कटिंग कर सकते हैं ये बताने वाली हूँ। शुरू शुरू में जब आप स्टिचिंग सीखते हैं तो आपको कटिंग करने परेशानी आती है, तो आप मेजरमेंट जो है सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, बॉडी मेजरमेंट लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप सिली हुई कुर्ती से ही अपना मेजरमेंट लेकर कुर्ती की कटिंग करें। सिली हुए सूट का मेजरमेंट लेकर जब अपना आप सूट की कटिंग करते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले हम अपनी सूट की लंबाई देखेंगे। हमारी सूट की लंबाई यहाँ पर जितनी है उतने ही हम अपनी सूट की कटिंग करेंगे। सूट की लंबाई मैंने यहाँ पर इस तरह से देखिए, ये मेरे सूट की लंबाई 39 आ रही है। यदि आप थोड़ी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तकरीबन 2 इंच ज़्यादा मैं यहाँ पर अपनी सूट की लंबाई रखूँगी, वो मैं आपको कटिंग करते समय बताऊँगी। ऊपर से हम अपने शोल्डर देखेंगे, शोल्डर कितने हैं हमारे, ये ऊपर जो मूढ़े की सिलाई होती है वहाँ से दूसरी मूढ़े की सिलाई तक मेरा यहाँ पर 13 इंच आ रहा है। 13 इंच के यहाँ पर मेरे शोल्डर्स का नाप है। शोल्डर नापने के बाद अब हम अपने सीने का नाप लेंगे। ये हमारे सीने के नाप के लिए हम अच्छे से अपने सूट को इस तरह से इसकी सिलाई से सिलाई तक इंची टेप को लेके जाएंगे और नापेंगे कि हमारी जो चेस्ट है वो कितनी है। यहाँ पर जितनी मेरी चेस्ट आ रही है इस तरह से आप इंची टेप को रखें और जितना आपका नाप आ रहा है उतना आप कॉपी में नोट कर लें। अब हम अपने वेस्ट का नाप लेंगे। वेस्ट के नाप के लिए ऊपर से ये देखिए जो हमारी कमर की शेप है इस तरीके से यहाँ पर इंची टेप हम रखेंगे और नाप लेंगे। ये मेरे जो कमर का नाप है वो 16 इंच आ रहा है, तो इसके बाद हमारा रह जाता है हिप का नाप। इस तरह से हिप नॉर्मली हम 22 इंच 21 इंच ऐसे लेते हैं नॉर्मली। ये देखिए यहाँ से जहाँ से आपके चाक शुरू होते हैं यहाँ से हमारी हिप का निशान आएगा, ऊपर से 22 इंच पर है। अब यहाँ पर इस तरह से मैं अपने हिप का मेजरमेंट ले लूँगी कि कितना है। यहाँ पर मेरी हिप 19 इंच आ रही है। इसके बाद नीचे जो हमारा दामन होता है इसको भी हम नाप लेंगे। वैसे तो जितनी हमारी हिप होती है इतनी ही हम अपनी नीचे दामन रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें नाप लेना चाहिए कहीं ये ज़्यादा तो नहीं है। अब ऊपर आर्म होल की ये देखिए इस तरह से निशान लगा के ऊपर से आधा इंच ऊपर इंची टेप हम निकालते हुए यहाँ पर देखेंगे, ये 6.5 इंच पर मेरा यहाँ पर आर्म होल का निशान आ रहा है। इस तरह से 6.5 इंच पर आर्म होल का निशान हम लगा लेंगे। अब हम अपनी बाजू का नाप ले लेंगे कि बाजू हमारी यहाँ पर कितनी तैयार है। बाजू ये देखिए ऊपर 4.5 इंच बाजू मेरी तैयार है। सूट का मेजरमेंट मैंने आपको लेके बता दिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए ये मेरी बॉटम इस तरह से जो मेरे सूट की बॉटम है इस पर वर्क आया है। ये मेरी तैयार सूट का नाप है। जब आप अपनी कुर्ती की कटिंग करें तो एक बात आप ध्यान रखें कि सीधी साइड आपको अंदर की तरफ रखनी है और जो आपकी उल्टी साइड है वो आपको इस तरह से ऊपर की तरफ रखनी है, जिस पे हम अपने चॉक से निशान लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लें। ये कपड़ा आपको इतना ही फोल्ड करना है जितनी आपकी हिप होती है। हिप मैंने आपको इसमें हिप मेरी यहाँ पर 9.5 इंच थी, तो 9.5 इंच में 2 इंच ऐड करके मैं यहाँ पर इस कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। आप मार्जिन 1.5 इंच भी रख सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा कम है तो, लेकिन मैं यहाँ पर मार्जिन 2 इंच रखूँगी। ये नीचे से मेरी बॉटम जो है वो सूट की तैयार है, ये तैयार नाप है मेरा।
अगर आप यहाँ तक तैयार करते हैं अपनी कुर्ती को तो नीचे 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना होगा, जो कि आपका मार्जिन है वो आपको फोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच नीचे की तरफ इस तरह से एक निशान लगा देती हूँ। ये निशान लगाने के बाद अब जितनी मुझे अपने सूट की लंबाई तैयार रखनी है वहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैं अपने सूट की लंबाई 42 इंच रख रही हूँ, क्योंकि 1/2 इंच मेरा ऊपर की तरफ भी फोल्ड होगा। ये 42 इंच पर इस तरह से ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ। ये निशान लगाने के बाद अब 6.5 इंच पे मेरा आर्म होल का निशान है, वो निशान भी मैं इस तरह से सीधी लाइन इसकी बना लूँगी। इसके बाद जो मेरे कमर का निशान है वो इस तरह से कमर का निशान भी मैं अपना इस तरह से सीधी लाइन करके बना लूँगी। और अब रह गया मेरा हिप का निशान। हिप का निशान जितना मैंने अपने कुर्ती से लिया था 22 इंच, इस तरह से 22 इंच पे मैं एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। ये इस तरह से 4 लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। सबसे ऊपर हमारी शोल्डर लाइन, जहाँ पर मैं अपने शोल्डर का नाप लूँगी। ये मेरी आर्म होल और ये वेस्ट और ये हिप लाइन, ये चारों लाइन का मेजरमेंट मैंने लेकर आपको दिखा दिया है। अब जितना मेरे सूट का मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे अपने शोल्डर का निशान। शोल्डर वहाँ पर थे मेरे 13 इंच, यानी कि उसका आधा 6.5 इंच, 6.5 इंच ही मेरे आर्म होल का निशान था इस तरह से। अब इस लाइन को मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट मेरी यहाँ पर थी 19 इंच, 19 का आधा हम करेंगे 9.5 इंच, 9.5 इंच पे इस तरह से मैं एक निशान लगाया है। अब मेरी कमर का निशान, कमर यहाँ पर मेरी 16 इंच थी तो 8 इंच पे कमर का निशान लगा दिया। अब ये मेरा हिप का निशान है, हिप है मेरी 20 इंच तैयार, तो यहाँ पर 10 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया है। नीचे जो मेरी दामन है वो भी मेरा 10 इंच तैयार था, यानी कि 10 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। अब आपस में इन सभी निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। ये इस तरह से मिलाने के बाद अब जितना मार्जिन हमें अपने सूट में रखना है उतना मार्जिन देते हुए हम निशान लगाएंगे। आप 1.5 इंच मार्जिन रखें या फिर 2 इंच मार्जिन रखें, जितना कपड़ा आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 1.5 इंच या फिर 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। ये देखिए मार्जिन का निशान भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर आपको ये देखिए इस तरह से एक लाइन बनानी है और इंची टेप से यहाँ पर 1.5 इंच का एक और निशान लगाकर यहाँ पर आर्म होल की गोलाई आपको दे देनी है इस तरह से। ये आर्म होल की गोलाई यहाँ पर हम दे देंगे। ऊपर से ये 1/2 इंच आपको इस तरह से शोल्डर को गिराते हुए एक निशान और लगाना है। ये निशान हमारे अब लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रखते हुए हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को भी जितना हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड किया था इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से अपने बैक पार्ट्स के ऊपर रखेंगे। और सेम ऐसे ही हमें अपने बैक पार्ट की कटिंग करनी है, लेकिन थोड़ी सी जो हमारी यहाँ पर आएगी वो आएगी ऊपर शोल्डर्स में। बैक पार्ट हमें 1/2 इंच ऊपर
ये देखिए एक्स्ट्रा रखना होगा। आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा हम रखकर ही अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आधा इंच ऊपर रखते हुए मैं आपको ये देखिए इस तरह से आप निशान लगाएं। इस तरह से आप आधा इंच ऊपर रख के अगर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो आपका कई बार प्रॉब्लम आती है, सूट आप डालते हैं तो आपका जो नेक होता है वो पीछे की तरफ खिसक सकता है, लेकिन इस तरह से आप आधा इंच बैक पार्ट को एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका जो नेक होता है वो पीछे की तरफ खिसक सकता है। इस तरह से सेम टू सेम नीचे का हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की तरह ही कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद नीचे जहाँ पर हमारा जहाँ हमारे सूट की लेंथ तैयार होगी वहाँ पर हिप कमर और यहाँ ऊपर चेस्ट पर हम इस तरह के कट लगा लेंगे। इस तरह के कट लगाने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की आगे की जो कटिंग करते हैं वो करेंगे। बैक पार्ट को हटा के फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की कटिंग होती है वो हम करेंगे। वो कटिंग आप कैसे करें, डेढ़ इंच का जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था डेढ़ इंच का आधा यानी कि पौना इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इस तरह से शेप देके हम अपने आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये आर्म होल की कटिंग हमारी हो चुकी है, हमारी कुर्ती की कटिंग पूरी हो चुकी है। ये निशान हमने जहाँ पर लगाए हैं यहीं पर हमें अपनी सिलाई लगानी है। कुर्ती का नाप लेकर इस तरह से आप अपनी कुर्ती की स्टिचिंग कर सकते हैं, इसमें हमें एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम अपनी स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग के लिए ऊपर आधा इंच हम छोड़ते हुए अपनी स्लीव्स का नाप लेंगे। हमारी स्लीव्स तैयार थी साढ़े चार इंच पर निशान लगाने के बाद डेढ़ इंच का एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने एक और निशान लगाया और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लिया है। अब ऊपर से तीन इंच नीचे की तरफ हम एक और निशान लगाएंगे और इस निशान ये देखिए ये निशान मैंने लगा लिया। यहाँ पर हमारी जितनी बाजू की फिटिंग होती है उससे एक इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर एक और निशान लगा दिया है। अब ये निशान लगाने के बाद इस तरह से हम बाजू को शेप दे देंगे। सिली हुई जो आपकी बाजू है उसका नाप तो हम यहाँ पर इस तरह से अपनी स्लीव का निशान लगाएंगे और अब इस निशान से स्लीव को कट कर देंगे। सिले हुए सूट का नाप लेकर सूट की कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेजरमेंट नहीं लेना होता है, जितना आपका सूट तैयार होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपने सूट की कटिंग करनी होती है। इसी तरह हम अपनी बाजू के आर्म होल को शेप देकर इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे।